कटनी में स्थानीय होटल ऋषि रेजिडेंसी कटनी में जिला अभियोजना कार्यालय कटनी द्वारा एक दिवसीय अभियोजना तथा सर्वधन कार्यशाला विविध अधिनियमों में प्रभावी अन्वेषण एवं अभियोजना का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में जिला कटनी के समस्त अभियोजन अधिकारी सहित पुलिस एवं आबकारी विभाग के विवेचना अधिकारी, समाज सेवी संस्था के सदस्य और विधि के छात्र द्वारा कानून की बारीकियों को समझते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। उक्त कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल अग्रवाल द्वारा अभियोजना एवं अन्वेषण के महत्व को पीड़ित को न्याय दिलाने के महत्व को रेखांकित करते हुए भविष्य में अभियोजना की महत्तर भूमिका प्रतिपादित की गई। अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा भारतीय दंड विधान एवं शासकीय अधिनियम का सारवार विवेचन कर न्यायालय में प्रकरण कैसे प्रस्तुत किया जाकर निष्पक्ष और प्रभावी विचारण के सूत्र व्याख्यात किए और अपनी रोधक शैली में उन्होंने सहज उदाहरण देकर कठिन विषय की सरलता से स्पष्ट किया। विशेष न्यायाधीन NDPS आशुतोष मिश्रा द्वारा विवेचकों की गवाही कैसे कराई जाए, जैसे उपयोगी विषय को आबकारी अधिनियम की बारीकियों के साथ प्रतिभागियों से अपने अनुभव साझा किया। सुष्टम न्यायाधीश DK सिंह द्वारा विवेचना में आधुनिक तकनीक के प्रयोग कर जोर देते हुए साइबर तकनीकी की बारीकियों अन्वेषण के संबंध में दंड विधि उद्धतन संशोधन के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट की गई। विधि पुस्तक लेकर एडवोकेट डॉक्टर प्रदीप तिवारी द्वारा विधि के शासन के निर्यातार्थ उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत सहित व्याख्यात किए गए आर्ट एवं कॉमर्स कॉलेज कटनी के विधि प्राध्यापक ऋतिका साहिनी आहूजा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अन्वेषण एवं अभियोजना विषय का उपयोगी प्रावधानों को रोचक शैली में प्रस्तुति दी गई। आयोजन किया गया है इस वर्कशॉप में अभियोजन अधिकारियों के अलावा आबकारी विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं और हमारे माननीय न्यायाधीशगण, कॉलेज के प्रोफेसर, अधिवक्तागण और विधि के विशेषज्ञ, विषयों के विशेषज्ञ इन विषयों पर व्याख्यान देंगे और 40 प्रतिभागी 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक विभिन्न 4 सत्रों में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रतिवर्ष लोक अभियोजन संचालनालय के तत्वावधान में हम ऐसी कार्यशाला आयोजित करते रहे हैं और ये हमारी अभियोजन दक्षता के संवर्धन के लिए एक उपक्रम है। और कुछ विशेष प्रकार से DJ साहब द्वारा कुछ ही प्रकार का अपना अनुभव दिया? DJ साहब हमारे अनुभव और ज्ञान के एक तरीके से मुजस्सम हैं, साकार रूप हैं और उनका उद्बोधन यहाँ पर चल रहा है और वो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में अन्वेषण और अभियोजन के लिए जो उपयोगी प्रावधान है उस पर अपना मार्गदर्शी उद्बोधन दे रहे हैं और हमें विश्वास है कि उनके मार्गदर्शी उद्बोधन से लाभान्वित होकर के हम आपराधिक न्याय प्रशासन में और बेहतर कार्य करके पीड़ित को न्याय दिला पाएंगे। नाम बता दिए। मैं हनुमंत किशोर शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी कटनी। आज जिला अभियोजन कार्यालय कटनी द्वारा विविध अधिनियमों के अपराधों में प्रभावी कटनी से प्रवीण कुमार पारशर की यह रिपोर्ट।